हेलो दोस्तों, इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सभी जानते हो कि हम लोग वॉइसिस की एक बड़ी ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार और कामयाबी दिलाने वाली सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। और उस सीरीज़ के दौरान आज हमारा जो वीडियो है वो वॉइस के ऊपर वीडियो नंबर 5 है। तो 4 वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से उन वीडियोस को आराम से देखें और सीखें कि हमने उन वीडियोस में क्या जिक्र किया हुआ है वॉइस के बारे में। तो दोस्तों आइए 5th नंबर क्लास पर पहुंचते हैं। ये जो क्लास है ये बड़ी ही कमाल की क्लास आपके लिए रहेगी, भी बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी। और जिस किसी ने भी आज लिखे हुए सेंटेंसेस के वॉइस को चेंज कर दिया वो वास्तव में बड़ा ही ज़बरदस्त लेवल का स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो आओ दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, रमन विल वेलकम द गेस्ट। तो पहली चीज़ वही देखनी है, भी हमें कैटेगरी देखनी साथ ही, और रमन के साथ में विल का यूज़ हुआ है तो यानी नॉट श्योर कैटेगरी से है ना। आई और वी के साथ में सेल का यूज़ हो तो वो नॉट श्योर कैटेगरी से होता है, और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में क्या होता है भाई, इस उनके साथ में यूज होता है विल। तो ये रहता है आपका नॉट श्योर कैटेगरी में। इसका अगर हम उल्टा कर दें, आई और वी के साथ में विल कर दें और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में हम अगर सेल का यूज़ करते हैं तो वो कैटेगरी आपकी कहलाती है दोस्तों श्योर। ठीक है भाई, श्योर वो कैटेगरी कहलाती है। तो रमन के साथ में विल है तो इसका मतलब है रमन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में विल यूज़ हुआ है तो ये रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है रमन। ठीक है, तो नॉट श्योर कैटेगरी है भाई, यस नॉट श्योर कैटेगरी है, राइट। तो गेस्ट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा भाई, द गेस्ट, इस गेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या रहेगा भाई, विल बी वेलकम्ड बाय रमन, द गेस्ट विल बी वेलकम्ड बाय रमन। तो नेक्स्ट पे चलें दोस्तों, प्रिया हैड डोनेटेड हर मनी, प्रिया हैड डोनेटेड हर मनी। तो हर मनी आपको ये पता ही है, अब हर मनी हैड बीन परफेक्ट टेंस है पास्ट का, हैड बीन डोनेटेड, इज डोनेटेड बाय प्रिया। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, इस बाय प्रेपोजिशन का यूज हुआ क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है भाई पीछे, रमन और प्रिया फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में क्या है साथियों, ये दोनों ही लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, रेणु वोक अप अर्ली, इस ध्यान से देखिए सेंटेंस को भी, ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिए, इस ध्यान से बनाइए भाई, क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही है आज, इस प्रॉब्लम हो रही है भाई, कैसे बनाओगे, रेणु वोक अप अर्ली, इस रेणु वोक अप अर्ली। अब यहाँ से आपका जो सीखना है साथियों वो स्टार्ट होता है कि किस किस सेंटेंस के आप पैसिव बना सकते हो। ठीक है, ये देखना है, ये जो आपका सब कुछ वॉइस को बनाना है ये डिपेंड करता है साथियों आपका वर्ब के ऊपर, किसके ऊपर भाई, वर्ब के ऊपर। अब जो वर्ब के टाइप हैं, इस फर्स्ट टाइप यहाँ पर क्या लिखा है वर्ब का भाई, ट्रांजिटिव, और यहाँ पर सेकंड है साथियों इन ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव, अब इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो जान लीजिए भाई। ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं भाई, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं उनके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमें वर्ब के साथ जब हम क्वेश्चन करते हैं तो या तो भाई व्हाट का रिप्लाई देगा हमें, या रिप्लाई देगा हमें साथियों हुम का, किसका, या तो व्हाट का रिप्लाई देगा या साथियों हमें रिप्लाई देगा वो हुम का। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ भाई, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, इस आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो मैंने कहा भाई आई कैन सिंग व्हाट, तो इस सॉन्ग ने मुझे किसका रिप्लाई किया भाई, व्हाट का, आई कैन सिंग व्हाट। अब व्हाट ये जो सिंग है ये क्या है भाई, वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या तो हमें व्हाट का रिप्लाई मिले भाई, या हुम का रिप्लाई अगर हमें मिले तो वो जो वर्ब होगी, तो इसका मतलब ये जो सिंग वर्ब यहाँ पे है वो वर्ब कैसी है हमारी, ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब जिस भी सेंटेंस के अंदर हो वो ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, और उसी सेंटेंस का पैसिव संभव है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, उसी सेंटेंस का पैसिव संभव है। ठीक है, अदरवाइज पैसिव संभव नहीं है। फिर से देख लीजिए भाई, एक ऐसी वर्ब
जिसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है और वो ऑब्जेक्ट हमें इस वो ऑब्जेक्ट हमें या तो व्हाट का रिप्लाई करे या बाई किसका रिप्लाई करे, फोम का रिप्लाई करे, ठीक है। तो वो जो ये वर्ब होती है, ये वर्ब आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती है, राइट। ट्रांसिटिव वर्ब ये होती है और ट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का ही पैसिव बनाना संभव है, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना भाई, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सबसे, वो है आपकी वर्ब। अगर आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है तो पैसिव बनना लाजमी है, ठीक है। इसे आगे बढ़ते हैं, दूसरी है साथियों इंट्रांसिटिव, ठीक है भाई। इसके अपोजिट जो दूसरी है वो कौन सी है, इंट्रांसिटिव। अब इंट्रांसिटिव जो वर्ब है भाई, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, लेकिन जो भी वर्ड उसके बाद होता है यानी ऑब्जेक्ट की जगह रखा हुआ जो भी वर्ड है वो हमें रिप्लाई करता है भाई, या तो वेन का या हाउ का या वेयर का, ठीक है। हो सकता है वो रिप्लाई हमें करे व्हाई का, ठीक है। तो वेन हाउ वेयर वर्ब से जब आपको ऑब्जेक्ट की जगह जो भी वर्ड है, ठीक है, उसका आंसर हमें मिले वेन हाउ या वेयर से या भाई व्हाई से, तो वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों, इंट्रांसिटिव होती है और ऐसी वर्ब का पैसिव बनाना संभव नहीं होता, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनता। यस, जैसे अगर मैं कहूँ कि आई कैन सिंग वेल, आई कैन सिंग वेल, तो हमने इस वर्ब से देखो यहाँ पे यही सिंग वर्ब क्या है भाई, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये हमें इस ये जो सॉन्ग है ये व्हाट का रिप्लाई हमें कर रहा है इस वर्ब के साथ में मिलकर, ठीक है। वही वर्ब बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही वर्ब है। अब हमने कहा आई कैन सिंग, भाई ये व्हाट का तो रिप्लाई नहीं दे रही हमें, ना ही होम का रिप्लाई दे रही है, तो इसका मतलब ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, ये वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये रिप्लाई हमें किसका देते भी, आई कैन सिंग हाउ, इस ये जो वेल वर्ड है यहाँ पर ये हाउ का रिप्लाई है, ठीक है। तो हाउ का रिप्लाई देने वाले वर्ड या वेयर का रिप्लाई देने वाले वर्ड या भी वैन का रिप्लाई करने वाले वर्ड हमारे एडवर्ब होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है हमारे एडवर्ब है, ठीक है। क्या है साथियों, एडवर्ब है, ठीक है। और पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए भी या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, पैसिव बनाने के लिए, राइट। तो दोस्तों फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई वर्ब के बारे में, ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हम इस वर्ब के साथ मिलकर व्हाट या होम का रिप्लाई करता है और ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाना संभव है, राइट। इन ट्रांसिटिव जो वर्ब होगी वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ वर्ड है वो हमें वेन का, वाई का, हाउ का, वेयर का आंसर देगा और ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव कभी भी नहीं बनता, ठीक है। तो आओ दोस्तों, रेनू वॉक अप, यस रेनू वॉक अप, अब ये एक वर्ब है, रेनू वॉक अप वेन, ये अर्ली हमें किसका रिप्लाई है भाई, वेन का, यस रेनू वॉक अप वेन, तो वेन का रिप्लाई है। तो दोस्तों पैसिव इस सेंटेंस का आप चाहकर भी नहीं बना सकते, कभी भी इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ही रेन फास्ट, ही रेन, क्या ये व्हाट का रिप्लाई है, जी नहीं। क्या ये होम का रिप्लाई है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो किसका रिप्लाई है भाई, ये हाउ, किसका रिप्लाई साथियों, हाउ। तो हाउ का रिप्लाई जो वर्ड करें भाई तो भी पैसिव हमारा संभव नहीं है। ही वेंट होम, यस ही वेंट वेयर, तो ये किसका रिप्लाई है दोस्तों, वेयर का रिप्लाई है, तो इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा भाई, यस इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, यस। आगे बढ़ते हैं भाई, मोहन रिजेंबल्स हिज फादर, यस मोहन रिजेंबल्स हिज फादर, मोहन रिजेंबल्स हुम, अब यहाँ पे एक बात और सीखने को मिली भाई, यस। अब देखो होम का तो रिप्लाई इसने किया, होम का रिप्लाई तो इसने किया, लेकिन इस वर्ब में ये जो वर्ब है ये बताती है साथियों आपका अपीयरेंस को, किसको बताती है भाई, अपीयरेंस को, ठीक है, यस अपीयरेंस को ये वर्ब बताती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखी है भी सीम, रिजेंबल, लुक और अपीयर, ये जो इस बॉक्स के अंदर है ये जो वर्ब्स हैं ये हमें बताती हैं अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। और अपीयरेंस के बारे में जब बताया जाए तो भाई उसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या कि भाई एक्शन का होना भी ज़रूरी है किसी भी वॉइस को
इस कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या भी अपीयरेंस, अब मैंने कहा भी माउन रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने फादर के जैसा लगता है। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल का आपस में मिलना, तो वो अपने फादर के जैसा लगता है। तो बताओ साथी इसके अंदर एक्शन क्या है भाई? एक्शन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्शन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं साथी, इनको आप कहते हो स्टेटिव वर्ब, ठीक है। क्या बोलते हो भाई? स्टेटिव वर्ब, ठीक है। स्टेटिव वर्ब इनको बोला जाता है, इनके अंदर एक्शन नहीं होता। उन स्टेटिव वर्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई? यस, बी से बनने वाली जो भी वर्ब्स हैं साथियों, यस, इज एम आर, वोज वर, ठीक है भाई, बीन, बिकम या गेट, ठीक है। और ये स्पेशली रहेगी किसकी दोस्तों? अपीयरेंस वाली, ठीक है। ये किसकी रह गई? अपीयरेंस वाली। तो ये जो वर्ब्स हैं, यस, इनके अंदर क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता, यस, एक्शन नहीं होता तो इनका पैसिव भी कभी नहीं बनता, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो मोहन रिजेंबल्स हिज फादर, इसके अंदर कोई इस एक्शन नहीं है तो इसका भी पैसिव संभव नहीं है। आई हैव अ जॉब, आई हैव अ जॉब। अब एक चीज़ और देखो भाई, आई हैव अ जॉब, अब ये जो वर्ब है, यस, क्या इसके अंदर कोई एक्शन है भाई? मैंने कहा मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास ये कलम है, इस मेरे पास जीएफ है, मीन्स ग्रैंड फादर हैं, तो क्या इसके अंदर कोई एक्शन है भाई? इसके अंदर कोई काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं भाई, इसके अंदर कोई भी काम नहीं है, ठीक है। यस, ये तो सिर्फ मैं क्या बताता हूँ, मेरा पोजेशन बता रहा हूँ। तो पोजेशन बताने वाली जो भी वर्ब्स होती हैं साथियों, ध्यान से देखना, पोजेशन बताने वाली जो भी वर्ब्स होती हैं भी, हैव है, पोजेस है, ऑन है, वांट है, नीड हो सकता है, राइट। तो पोजेशन बताने वाली जो वर्ब्स होती हैं भी, उनका भी पैसिव संभव नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, पैसिव वॉइस किसका संभव नहीं है भाई? इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, पोजेसिव वर्ब, भाई ये पोजेसिव वर्ब आपकी हैं, ठीक है। और ये क्या है? स्टेटिव वर्ब, जिनके अंदर स्टेट बताया जाता है, राइट। इनको आप ये भी कह सकते हो भी, जैसे इज एम आर, वोज वर को लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब भी इनको आप कह सकते हो। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या यूज होता है? या तो कोई नाउन यूज होगा, या क्या होगा भाई, प्रोनाउन, सॉरी, नाउन प्रोनाउन, या उसके बाद एडजेक्टिव को यूज होगा, ठीक है। नाउन या भी एडजेक्टिव यूज उसके अंदर होता है, और नाउन यूज होता है, इसीलिए नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो भी प्रोनाउन भी कभी कभी वहाँ पे यूज हो सकता है, राइट। या इसके अलावा क्या यूज हो सकता है भी? कभी एडवर्ब वहाँ पे यूज हो सकती है, लेकिन सीधी सी वहाँ पर बात क्या है कि भी ये सारी की सारी वर्ब्स क्या हैं? स्टेटिव है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, राइट। तो आप यहाँ से इस तरीके से याद कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तरीके से मत जाना, ठीक है भाई। चाहे बिकम, गेट और ये अपीयरेंस वाली, तो ये सारी की सारी क्या हैं? यस, इनके अंदर एक्शन नहीं है, तो एक्शन नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा भाई, ठीक है। आओ भाई, आई हैव अ जॉब, तो मेरे पास एक जॉब है, इसके अंदर एक्शन क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है, तो पैसिव इसका भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हैव वर्ब जो यहाँ पर है ना, वो कैसी है? पोजेशन बता रही है भाई, ठीक है, पोजेशन वर्ब बता रही है। रेखा वॉन्ट्स अ बुक, इस क्या कोई एक्शन है? इस, अब इसके ऐसे मत बनाना भाई कि ए बुक इज वॉन्टेड बाय रेखा, ठीक है, ऐसा मत बनाना, राइट। वर्ब का जादू होता है भाई, इस वर्ब का जादू होता है, इस, ठीक है भाई, किसी भी एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए वर्ब का जादू यहाँ पर होगा, ठीक है। वर्ब के ऊपर डिपेंड है कि किसका पैसिव बनेगा और किसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की वर्ब का पैसिव संभव है, वो है भाई ट्रांजिटिव, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई करती है, ठीक है भाई, बात अपनी जगह, ठीक है। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा भाई। मोहित बिकेम अ टीचर, अब मोहित टीचर बना, यस, एक्शन क्या है इसके अंदर, राइट। मोहित बिकेम अ टीचर, अगर आप इस तरीके से देखें तो ये बी की तो फॉर्म है, यस, बी की फॉर्म में, तो ये लिंकिंग वर्ब अपने आप में, यस, लिंकिंग वर्ब है भैया, स्टेटिव वर्ब है, राइट। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा भाई। मिस्टर गुप्ता इज अ गुड प्रोफेसर, अगर वो गुड प्रोफेसर है तो उसके अंदर, यस भाई, मिस्टर गुप्ता अगर गुड प्रोफेसर है तो उसके अंदर एक्शन क्या है? ये तो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है भाई, उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है, राइट। यस, तो भी मिस्टर गुप्ता के लिए ये जो कुछ भी है,
यस, एक ये नाउन इसको कहीं अभी एडजेक्टिव ये तो उसके लिए राइट, तो कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़ ये देख लीजिए भाई, ये लिंक करती है, सिर्फ लिंक करने का काम ये करती है, स्टेटिव है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है राइट, एक्शन नहीं है, तो इसका ही पैसिव नहीं बनेगा भाई। अब लास्ट सेंटेंस है, शीतल नोज मी, शीतल नोज हुम, शीतल नोज हुम, शीतल नोज हुम, इसके अंदर एक्शन है भाई, किसी को जानना एक्शन है, ठीक है, किसी को जानना क्या है भाई, एक्शन है राइट। तो शीतल नोज हुम, हुम मीन्स पैसिव हो गया, तो पैसिव इसका बनेगा भाई, तो क्या बनाओगे पैसिव, ठीक है, मी के अकॉर्डिंग आई, आई और कौन सा फॉर्म है भाई, यस टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई के अकॉर्डिंग एम, यस आई एम, और हमें चाहिए बी की, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तो बी की फॉर्म तो एम आ गई, और पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म नॉन, ठीक है, यस शीतल। अब बताओ प्रेपोजिशन क्या यूज करें, इस प्रेपोजिशन का रोल रहेगा भाई, इस प्रेपोजिशन आपको ध्यान होगा भाई, नो कन्फाइन रिस्ट्रिक्ट ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ में जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा क्या यूज होती है दोस्तों, टू यूज होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो को भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, गौर से देखना, इसको टाइम लगा कर देखना, ठीक है, एक बार देखो, पांच बार देखो, 50 बार देखो, आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म रवि सर पर ये वीडियो रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखना, आज हमने सीखा कि भी किस किस सेंटेंस के पैसिव बनने संभव हैं, ठीक है, तो आपने जाना किस किस सेंटेंस के पैसिव बनने संभव हैं, ये डिपेंड करता है आपका वर्ब के ऊपर, अगर वर्ब के अंदर एक्शन है, वर्ब के अंदर अगर एक्शन है तो उसका पैसिव बनना संभव है राइट, और वर्ब के अंदर अगर एक्शन नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो एक ही वर्ब का पैसिव बन सकता है साथी, वो है भाई ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव वर्ब आपने सीखा कि उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें व्हाट या होम का रिप्लाई करता है, ठीक है भाई। बाकी किसी भी वर्ब का पैसिव मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।